आज हम जा रहे हैं ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ द कंट्री और ये है रूम जो गुज इमरजेंसी में कराना पड़ा यहाँ पे होम स्टे बेसिकली 7:31 ये टाइम चेक और यहाँ से फिर हम जाएंगे ताबो मॉनेस्ट्री वापस आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और लीव दिस प्लेस बाय 9 एट काजा बाय 11 थोड़ा बहुत गाड़ी का रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है वो करवाएंगे उसके बाद लोकल साइट सीइंग करेंगे और कल इधर वी प्लान टू गो टू चंद्रताल और वी स्टेट गो टू केलोंग तो फिलहाल एक ध्यान में देने वाली बात कितना इसकी वजह से ये जो कल प्रसाद मिला मेरे को ताबो का और रूम के अंदर ही हमारा एक छोटा सा वॉश बेसिन अभी चलते हैं ताबो और नेक्स्ट वील मीट इन ताबो ताबो मॉनेस्ट्री एंट्री और ये एप्पल ट्री This is the Tabo Monastery, the oldest monastery in India. Yeah. ताबो मॉनेस्ट्री जिसको हम एक राउंड ले रहे हैं फिलहाल के लिए और अंदर 9 बजे का टाइम है इसलिए अंदर अब इसलिए भी नहीं जाएंगे हम बाहर से देखने बहुत खूबसूरत सैड द बोधिसत्व मैत्रेय टेम्पल दिस वाज ताबो और इसके बाद Let's see next. Tabo Monastery established 996. तक हमारी बाइक इज डूइंग गुड होपफुली आज हमारा आज का जो रूट है वो इवेंटफुल ना हो इतना जितना कल था एंड लेट्स सी आगे क्या करते हैं फिर हम गुड मॉर्निंग यूट्यूब 9:53 AM आज की ट्रिप ताबो टू काजा जस्ट 40 किलोमीटर डिस्टेंस है मुझे यहाँ पे ताबो में कल इसलिए रुकना पड़ा था क्योंकि मेरा टायर पंचर हो गया था और मैंने खुद उसको रिपेयर किया था नई ट्यूब भी डाली थी पर नई ट्यूब डालने के बाद भी आई थिंक मैंने अपने जो टूल्स थे उनको ट्यूब में कहीं छुपा दिया था जिससे कि नई ट्यूब भी पंचर हो गई थी तो इसलिए मुझे फिर वो टायर फिर से निकाल के किसी से लिफ्ट लेकर के वापस ताबो आना पड़ा यहाँ पे मैंने ताबो में टायर रिपेयर करवाया पंचर लगवाया वापस गया एक गाड़ी हायर करके गाड़ी के ड्राइवर से मदद ली उस टायर को जोड़ने में बट इतने में अंधेरा हो गया था इसलिए मैं अपना काजा का ख़त्म नहीं कर पाया काजा पहुंचना और फिर मुझे वापस उसी गाड़ी के साथ उसको पीछे रख के सो दैट कुछ रात को सपोर्ट भी हो जाए और लाइट तो खैर गाड़ी में है ही मेरे बट स्टिल थोड़ा मॉरल सपोर्ट के और मेंटल सपोर्ट के लिए उस गाड़ी के साथ में वापस ताबो आ गया और ताबो में होम स्टे में मैंने रात को स्टे किया इंसिडेंटली मेरी इस बाइक का ये तीसरा पंचर है वो चितकुल के पास वो हुआ था 2 दिन पहले मेरा पंचर और वो भी रियर टायर में हुआ था तब भी मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई थी तो मैंने अपना वो पंचर निकाल के पंचर की दुकान में ला करके वहाँ से मैकेनिक ले जा करके
पंचर मतलब टायर इंस्टॉल करवा लिया था। उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी कि टायर निकालते कैसे, मतलब टायर इंस्टॉल कैसे करते हैं। और एक जो टायर पंचर था वो मेरे ट्रिप से पहले हुआ था, एक दिन पहले धर्मशाला मार्केट के बीच में हुआ था। मैं अपने साथ अभी फिलहाल दो ट्यूब्स कैरी कर रहा हूँ। एक ट्यूब जो मेरी यहाँ पे कंज्यूम हो गई थी उसको मैंने टायर में लगा लिया था। तो इस वक्त मेरे पास दो ट्यूब्स हैं, एक अगले टायर की और एक पिछले टायर की। 17 किलोमीटर फ्रॉम ताबो वी रीच द स्पॉट जहाँ पे वो कल का कांड हुआ था, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे मेरा बैंड बजा था कल। तो यहाँ पे जाके जरा अपनी पुरानी यादें 5 मिनट के लिए ताज़ा करते हैं हम। तो ये है एक लकड़ी का झूला पुल जो बस झूले जा रहे हैं मेरे पेट से। और यहाँ पे नदी सामने पहाड़ पास और स्पीति नदी यहाँ पे भी। सिचलिंग, सिचलिंग है ये और ये खतरनाक ब्रेकर और ये सिचलिंग है। जितनी भी मैक्सिमम मेरी शॉपिंग है इस राइड की मैंने टेकेदलन से कर रखी है। तो टेकेदलन बेसिकली सभी बड़ी जगहों में मिल जाता है और नहीं भी है तो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं टेकेदलन मिल ही जाएगा। तो शिजलिंग को हमने क्रॉस किया अभी। यहाँ से जो राइट साइड रोड जा रहा है शिजलिंग से, डैट गोज टू धनकड़ मोनेस्ट्री। धनकड़ मोनेस्ट्री यहाँ से 8 किलोमीटर है और काजा 24 किलोमीटर है। तो We are in between the cold desert of Spiti. और लेफ्ट साइड अगर देखा जाए स्पीति हैव बिकम वेरी वाइड हियर और पानी का रंग भी यहाँ पे आप देखें तो स्पीति का नीला हो चुका है। सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का इन काजा। काजा के बाद जो मुझे नेक्स्ट सर्विस सेंटर मिलेगा वो किलोंग में मिलेगा और किलोंग के बाद अगला मैकेनिक जो होगा सर्विस सेंटर, तो मतलब लोकल सर्विस सेंटर बोल सकते हैं, रॉयल मिल्कन की लोकल सर्विस सेंटर किलोंग में है। और किलोंग के बाद फिर अगला सर्विस सेंटर है जिंगजिंग बार में। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिंगजिंग बार इज आफ्टर वी रीच सरचू और किलोंग से सरचू तकरीबन 80-90 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ सरचू से जिंगजिंग बार भी काफ़ी आगे है। तो मतलब एन रूट दे लॉट ऑफ प्लेस, मतलब पूरे बहुत लंबे पैचेस में कोई बैकअप नहीं है तो इसलिए खुद का बैकअप बनाना पड़ता है। तो उसकी मैं तैयारी पूरी काजा में करूँगा। बस मुझे एक पंप चाहिए हवा भरने का, जो कि कल मेरा जो पंप था वो इट वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव तो मुझे किसी से बोरो करना पड़ा था पंप। तो आज आई विल सर्च फॉर अ पंप इन Gaza. एकदम लेफ्ट में अपने स्पीति नदी जिसका रिवर बेड बहुत ही वाइड है इस वक्त और बहुत ही खूबसूरती से बह रही है हरे रंग के पानी के साथ। काजा के बाद में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, काजा के बाद में टांडी में पेट्रोल पंप है अगर आप किलों के रास्ते जा रहे हो या फिर मनाली में मिलेगा आपको पेट्रोल पंप। तो टांडी में पेट्रोल भरवाने के बाद अगला पेट्रोल पंप फिर नीमू में आता है। तो ये काजा की एंट्री, बहुत ही मगन मस्त एंट्री और मुस्टैच होटल एंड स्यूट्स यहाँ पे ही है, रॉयल एनफील्ड का कुछ यहाँ पे क्रीस कैफे। तो ये है आपका काजा। ये काजा का बस स्टैंड, HRTC की पूरी बसें मिलेंगी आपको, इसके अलावा कोई बस नहीं मिलेगी यहाँ पे बिकॉज और कोई आने की हिम्मत रखता नहीं होगा शायद काजा के रोड्स पे चलने की हिम्मत रखता नहीं। यहाँ पे ड्राइवर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है चलने के लिए। ATM
हिमालयन कैफे। हिमालयन कैफे अ बिग लेसन फॉर लाइफ। Yesterday has gone and tomorrow may never come. So live your life. तो अभी हम काजा के किसी होटल में, कमरा अच्छा नहीं है तो मैंने चेंज करने को बोला। अब देखते हैं कोई और कमरा मिलता कि नहीं मिलता। जब मिलता तो आई विल शो यू द रूम। द रूम जस्ट वाज नॉट गुड।